आज हम लोग सबसेट्स के विषय में पढ़ेंगे। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर दो सेट दिए हैं ए और बी, यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में पाए जाएं, तो सेट ए हमारा सेट बी का सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। और इस सबसेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते ए इस सबसेट ऑफ बी कब, इफ सपोज एक स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इम्प्लाइज दैट स्मॉल इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। नहीं, अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है तो वो सेट बी में जरूर होना चाहिए। If A is not subset of B, we write A इस सिंबल से, A is not subset of B। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो सेट है, एक सेट X और एक सेट Y है। X क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, Y सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो जो क्लास के स्टूडेंट होंगे वो स्कूल के ही स्टूडेंट होंगे, तो इस नाते y के साथ अगर हमने क्लास के स्टूडेंट्स का नाम लिख लिया, स्कूल के स्टूडेंट्स का नाम लिख लिया, तो सेट y में जितने स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे x में पाए जाएंगे। इसलिए y जो हुआ वो x का सबसेट हो गया और इसको लिखेंगे y सबसेट ऑफ x। एवरी सेट a इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें ध्यान रखेंगे। प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, ए सबसेट ऑफ है। फाई ये हमारा एम्प्टी सेट का नोटेशन है, सिंस फाई हैज नो एलिमेंट, चूंकि फाई में कोई एलिमेंट होता नहीं है, इस नाते फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, द सेट क्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। जो हमारा रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर में पाए जाएंगे, इरेशनल नंबर के सारे एलिमेंट्स हमारे रियल नंबर में पाए जाएंगे। इस नाते रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट, इरेशनल नंबर वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे एक सेट ए है उसके एलिमेंट 1, 3, 5 है, एक एलिमेंट ए सेट बी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x such that x is an odd natural numbers less than 6, 6 से छोटा जो हमारा odd natural number है, तो 1, 3, 5 हुआ। तो यहाँ देखिए a के सारे एलिमेंट b में पाए जा रहे हैं, इस नाते a is subset of b, b के सारे एलिमेंट a में पाए जा रहे हैं, तो b is subset of a। तो अगर a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, तो हम कह सकते हैं कि सेट a और सेट b ये दोनों इक्वल सेट होंगे। इट सो दैट इफ टू सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। एक एग्जांपल देखें, बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेट a b c बी थ्री सेट्स इफ a बिलोंग्स टू b, सेट a b सेट b में पाया जा रहा है, एंड बी सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है दैट ए सबसेट ऑफ सी। दो कंडीशन दिया कि ए सेट बी में पाया जा रहा है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? अगर ये ट्रू है तो ठीक है, और यदि ट्रू नहीं है, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, तो ये ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल लिया गया, एक सेट ए ले लिया गया, इसका एलिमेंट 1 है, एक सेट बी लिया गया, तो सेट बी में देखिए एक ये जो हमारा 1 वो भी सेट जैसा ही है, ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ, और ये 2 है, और एक सेट सी लिखा गया, इसमें एक सेट 1, 2, 3। तो यहाँ देखिए जो सेट ए है उसका ये पूरा सेट ए सेट बी में पाया जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ पूरा, इस नाते ए बिलोंग्स टू बी, ये सत्य हो गया। दूसरा, बी के सारे एलिमेंट सी में पाए जा रहे हैं, इस नाते बी सी का सबसेट हुआ, लेकिन सेट ए सेट सी का सबसेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो हमारा दिख रहा सेट वो पूरा का पूरा इसमें पाया जा रहा है। यदि 1
जो वन बिलोंग्स टू सेट ए बट वन डज नॉट बिलोंग टू सेट सी। तो इसका अर्थ है वह ये जो एग्जाम्पल है ये बता रहा है कि ये जो रिलेशन दिया है ए सबसेट ऑफ सी वो ट्रू नहीं है। अब हम किसी दिए गए सेट के कितने सबसेट्स होते हैं ये कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला है 2^n। एन क्या है, एन डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेट। जिस सेट का सबसेट निकालना होता है उसमें जितने एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या को ये बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है तो इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। अब इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं हमने लिखा 2 तो रहेगा सब में और उसके पावर हमने 3 कर दिया, ये आया हमारा 8। अब सबसेट्स में दो आपने इसके पहले देखा कि 5 सबसेट का सबसेट होता है, एक तो वो लिख दिया और दूसरा यही सेट ये स्वयं का सबसेट होता है उसको हमने लिख दिया। अब एक हमने लिखा एलिमेंट 1, देखिए 1 यहाँ मिल रहा है इस नाते इसका सबसेट हुआ, 2 को लिख लिया 2 एलिमेंट भी इसमें है इस नाते सबसेट हो गया, 3 लिख लिया वो भी यहाँ पर आ जा रहा है इस नाते भी सबसेट हुआ, फिर हमने दो दो एलिमेंट लिया 1, 2 ये भी इसमें पा जा रहा है इसका सबसेट हुआ, 2, 3 यहाँ मिल रहा है इसका सबसेट हुआ, 1, 3 ये भी मिल रहा है। तो इसके कुल 8 हमारे ये 8 सब नंबर ऑफ सबसेट्स हुए, इसके अलावा और कोई इसके सबसेट नहीं बने। अब यहाँ एक दो और महत्वपूर्ण बात है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। यानी ए हमारा बी का सबसेट हो लेकिन ए बी के बराबर ना हो तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल सेट ए में 1, 2, 3 है और सेट बी में 1, 2, 3, 4। अब यहाँ सेट ए सेट बी का सबसेट है लेकिन सेट ए और सेट बी दोनों बराबर नहीं है, तो सेट ए जो हुआ वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट हो गया और सेट बी सेट ए का सुपर सेट हो गया। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 इसके आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक लगाएंगे, शेष अगले लेक्चर में। थैंक यू।